हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो अपना चटपटी रेसिपी में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 उबले हुए आलू। इसे 20 से 2 भागों में काट लेंगे। तो सभी आलू कट चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 लाल मिर्च और 2 तेज पत्ते। अब मैं डाल देता हूँ इसमें जीरा। इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेना है, ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। तो प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 कप टमाटर की प्यूरी। आप चाहें तो टमाटर काट के भी दे सकते हैं। तो टमाटर पक चुके हैं। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 1/2 कप दही। इन सभी को अच्छे से पका लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। मसालों में मैंने सबसे पहले डाल रहा हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक। अब इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारे ग्रेवी में अच्छे से जुड़ जाएं। तो ग्रेवी अच्छे से जुड़ चुके हैं। ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। अब मैं डालूँगा आलू के स्लाइसेस। आलू में मसाले को अच्छे से कोट करना है, इसमें फ्लेवर को एब्जॉर्ब होने देना है। अब हम इसे जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाला है। आप अपनी ग्रेवी के अनुसार पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसे ढक देता हूँ 1 बॉयल आने तक। तो सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा कसूरी मेथी। तो अब ये मेरा सब्जी पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर यह रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।